कब मुकम्मल होगी, कब कब मुझे तकमील करोगी? जानते हो, जब तक मिलोगी नहीं, मेरी तकमील का अमल जारी है। लाखों चेहरों में तलाश किया है मैंने तुम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम हो और तुम मुझे जरूर मिलोगी। पाके रहूंगा, जीत के रहूंगा, बाकी बातें बाद में। जानती हूं कब? जब मिलोगी। सफिया, सफिया जी मैम, ब्रेकफास्ट लेकर आओ मेरे लिए। जी मैम, बस दो मिनट मिले। सुनो जी, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जिस तरह की बैटरी तुमने अभी दी थी, अगर वैसा ही ब्रेकफास्ट हो तो दो मिनट में यहां से आउट कर दूंगी। समझ में आई बात? जी बीबी। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रही हो? कम ऑन, गो एंड गेट इट। जी बीबी। स्टूपिड पीपल। माफ कीजिएगा सब जी। क्या हो गया? डेली डोज। गुड मॉर्निंग जमल भाभी, कैसी हैं आप? मॉर्निंग, आई एम गुड, आप कैसे? मैं भी ठीक। थोड़ा सा रहम कर लिया करें इन पर। तहामी भाई, आप नहीं जानते, ये जो छोटे लोग होते हैं ना, रहम के काबिल नहीं होते। एनीवेज, ब्रेकफास्ट लग रहा है, जॉइन मी ऑन दैट। No, 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 thanks. Actually, I'm getting late. मेरी मीटिंग है मार्केटिंग स्टाफ के साथ, तो मुझे पहुंचना है। अहा। Anyways, have a good day. Thank you. Good luck. Bye bye. Bye bye. And the best young officer of the year award goes to Miss Meerab Shah. Excuse me.
सरकार आपको परेशानी बुला रहे हैं। अच्छा आता हूँ। धन्यवाद साई। जी साई। सर आप बैठे, कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है साई। जिस जगह सुफियान चाचा काम करते थे वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा देखें उसको, थोड़ा ध्यान दें वहां पर। लेकिन सुफियान की तरह सर्कस को अपनी जिंदगी समझ के रहने वाला शख्स मिलते मिलते वक्त लगेगा। 3 साल गुजर गए सही, और कितना वक्त लगेगा? या फिर सुफियान चाचा जैसा कोई मिल ही नहीं सकता। ठीक है या सरकार, ठीक है। ठीक है आप जाए, मैं आता। ठीक है सरकार, ठीक है। मुझे तेरा पता चाहिए। मामा दूध खत्म हो गया। चुप कर जा, चुप कर जा, बंद कर दे अब ये ड्रम में। मदारी की औलाद कहीं की ना हो तो जीना आराम कर दिया, कुछ सुन रहा सुन नहीं दे रहे। चले गए मुझे छोड़ के, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? किस चीज की सजा मिल रही है मुझे? मेरू बेटा, बेटा जब घर में मुलाजमा है तो फिर तुम खुद को क्यों थका रही हो? अम्मा मैं थक नहीं रही हूं, मैं सारा दिन की खुद की थकन उतार रही हूं ऐसा करके। आज तो मुझे दर्द हो भी नहीं रहा, तुम्हारे अवार्ड को देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। मैं जानती थी आपकी सारी थकन सारी तकलीफ दूर हो जाएगी ऐसे अवार्ड को देख के। सही कह रही है, आज तो वाकई मुझे कोई दर्द महसूस हो ही नहीं रहा। पिछले 3 साल में मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई जितनी आज खुश हूं। लेकिन मीरू बेटा, तुम मुझे क्यों खुश नजर नहीं आ रही हो? खुश हूं क्यों? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मां हूं ना तुम्हारी, जानती हूं, पहचानती हूं तुम्हारे हर दुख को। जानती है तो पूछ क्यों रही है? कुछ घाव ऐसे होते हैं अम्मा जिनका मदावा वक्त भी नहीं कर सकता, तो कोई भी चीज उनके लिए मरहम नहीं बन सकती। भुला दो सब कुछ,
आप भुला सकती हैं अम्मा? नहीं, भुला तो नहीं सकती। तो फिर मुझे क्यों कह रही है भुलाने? इसलिए कि तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, और वैसे भी 3 साल बीत चुके हैं इस हादसे को। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? अब तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस तरह तो नहीं गुजरेगी ना बेटा? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अम्मा, मेरे अंदर का जख्म गहरा होता जा रहा है। जाहिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर एक खला है जो पुर नहीं होता। और जिंदगी गुजर रही है मेरी अम्मा के साथ, गुजर जाएगी आपके सहारे के साथ, है ना? अम्मा, मुझे जिंदा रहने के लिए आपका सहारा और बाबा साहब की याद काफी है। नीरू मेरी जान, तुम समझती क्यों नहीं हो? जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती बेटा। बाबा सब अब कुछ ना कहिएगा प्लीज अम्मा। मैं खुद को फ्रेश करना चाहती हूँ। मैं इस तरह परेशान हो जाऊंगी, मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत खिदमत हो गई अपना की। चलो अब जाओ अपने कमरे में और आराम से सो जाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। जा मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे जेठ का दिन आया? जेठानी ले आओ अब तो। हाँ तो और क्या, हस्बैंड तो तुम्हारे यहाँ होते नहीं, बच्चों में वैसे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, तो अच्छा है एक जेठानी ले आओ, लाइफ में शुगर लगा रहेगा। You're right. Well, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कोई तो हो इस घर में जिससे मैं बात कर सकूं। जेठानी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। And you know what? इतना बड़ा घर, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अकेले ही सब कुछ डील कर रही हूँ, कोई हो ना शेयर करने वाला। अच्छा जल्दी से शादी कर दो अपने जेठ की, हमें भी तुम्हारे न्यू ड्रेसेस देखने को मिलेंगे, जिन्हें बाद में हम भी फॉलो किया करेंगे। या तुम लोग भी ना हमेशा जो मैं बनवाती हूँ फॉलो करते, बल्कि चीट करते हो, यू कॉपी कैट्स। लेकिन हाँ, अभी तो पॉइंट ये है कि मेरी जिठानी होगी कौन। ड्रीम गर्ल तो तुम्हारे जेठ को मिलने से रही, आखिर में तुम्हारे ही पसंद की लड़की से उसकी शादी होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। आपने बुलाया बाबा सिंह? हाँ बैठो बेटा। साई तुम ये बताओ कि आजकल सर्कस में क्या चल रहा है? मेला तो सर पर है अगला। जी बाबा साई मैं देख रहा हूँ सबको, जहाँ की कमी है मैंने बंदे लगा दिए हैं, मगर बाबा साई। अच्छा वैसे तो तुम अब पढ़ाई वगैरह से फारिग हो गए ना? जी बाबा साई। तो इस बार मेले में सर्कस से ज्यादा किसी पर रश नहीं होना चाहिए, अब इस काम को तुम पूरी तरह संभालो। जी बाबा साई मैं कर रहा हूँ कोशिश, मगर आप तो जानते हैं हमारा सबसे अच्छा आइटम तो पुती तमाशा होता था ना, और सुफियान चाचा तो। मत कहो उसको चाचा, ना मुराद को, तुम्हारा चाचा नहीं था। और पुतली तमाशा पहले से और भी अच्छा होना चाहिए,
ऐसे 10 सफियान पैदा हो जाते हैं पैसे से। पैसा लगाओ बेटा साईं, पैसा रुपया पानी की तरह बहाओ, धन धन को खींचता है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मुझे इस बार कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं बाबा साईं, मगर जितना भी पैसा लगा लूं मैं उन लोगों जैसा जज्बा कहां से लाऊं? और सर्कस जज्बों से नहीं तमाशों से चलती है बेटा साईं। यहां जज्बों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां उसूल भी हमारा है और तमाशा भी हमारा है, और तमाशा करने वाले मदारी होते हैं, और मदारियों के जज्बात नहीं होते, सिर्फ कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य। समझे? जी बाबा साईं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ जा बेटा साईं, जा कोशिश कर, कर्तव्य दिखा नए कर्तव्य। तू तो दबा नंगा सिर लेकर बैठ जाता है हर जगह। और सुना क्या हालात है यूनिवर्सिटी के? शुक्र अल्लाह का यार, कभी सोचा भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी की जान यहाँ आके सर्कस चलाएगा। वहाँ मुझ जैसे बहुत लोग हैं यार, मगर यहाँ कोई नहीं। यहाँ के लोगों को, इस गांव को, यहाँ की सर्कस को जरूरत है मेरी। मैं कुछ करना चाहता हूँ इन लोगों के लिए यार, इनकी इनकी किस्मत बदलना चाहता हूँ। लेकिन यार उसके और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, अपने आप को जाया मत करो। मैं जाया नहीं कर रहा खुद को। इस जागे की देखभाल, ये सर्कस, ये सब कुछ तो मेरे खून में बसता है यार, मेरे पुरखों की निशानी है यार। और ये सर्कस तो मेरा इश्क है बचपन से। हाँ यार ये तो हम सब जानते हैं, पर ना कभी तेरी इश्क की समझ आई, ना कभी तेरे फैसलों की। तुझे समझ आएगी भी नहीं, तू छोड़ दे यार सर्कस छोड़। बता तेरे असल इश्क क्या हुआ? बैठो बैठो, 2 मिनट मुझे बात करनी है तुमसे। तुमने क्या सोचा? मैंने रात को तुमसे कुछ बात की थी। ना सोचा है ना सोचना है, और अभी इस बात का वक्त भी नहीं है। तुमने क्या हुलिया बना लिया अपना? कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती कि तुम मेरी वही बेटी हो, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत सी। क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिया? अब मैं ऑफिस काम करने जाती हूँ, ऑफिस में मेरा काम देखा जाता है, मेरी खूबसूरती को नहीं देखते लोग। जैसी भी हो ठीक हो, मैं उस हुलिये में अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हूँ, सेफ फील करती हूँ। आप जानती हैं अम्मी, आप बस खुश रहा करें। चलती हूँ, मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, रात को बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान में दिया तुम्हें, मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। आई मीन टू से, हमारी कंपनी की प्रोग्रेस पिछले 50 साल में काफी हाई है, आप देख सकती हैं। ये जो कंसाइनमेंट है आपका, इसमें आपका कितना रुपया लगा होगा? आपको चोट तो नहीं लगी ना? जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.